तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइयो अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की वीडियो में आप सभी ने देखा था दोस्तों मेरठ साउथ आरआरटीएस का स्टेशन। आज आप सभी को देखने के लिए मिलेगा मेरठ साउथ आरआरटीएस के स्टेशन से लेकर और प्रतापपुर आरआरटीएस का स्टेशन भी दिखाएंगे चल के। तो आप बने रहिए दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पी संत के चैनल पर दोस्तों, जो कि मैं लाता रहता हूँ। काफ़ी टाइम के बाद में आप सभी को अपडेट देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा परेशान चल रहा था, इस वजह से मैं आप लोगों के बीच में अपडेट नहीं ला पा रहा था दोस्तों। तो आगे देख सकते हो, ये जो फ्लाईओवर आ रहा है ये है दोस्तों दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे, जो प्रतापपुर में ही आके ख़त्म होता है। यहाँ पर ट्रम्पेड इंटरचेंज बनाया गया है दोस्तों, और बिल्कुल सीधे सीधे जाएंगे दोस्तों तो हम चले जाएंगे कहाँ, हरिद्वार के लिए। तो उससे पहले हम लेफ्ट में मुड़ जाएंगे, यानी कि मेरठ सिटी के अंदर। तो चलेंगे और दिखाएंगे चल के आप सभी को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी। तो आप सभी को बता दूं दोस्तों, देखो ये यहाँ तक जो OHE वायर है दोस्तों वो यहीं तक पड़ी है, आगे बस इलेक्ट्रिसिटी के खंभे ही लगाए गए हैं, और अभी इस पर ट्रैक डालने की स्टार्टिंग हो चुकी है, ट्रैक डाला जा रहा है दोस्तों। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों वैसे वैसे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। जब मैं पिछली बार आया था दोस्तों तब रेलवे लाइन के ऊपर बायोडक्ट को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा था, जो कि अब सारे लॉन्चर हटा दिए जा चुके हैं, और आप लोगों को मेरठ के अंदर पूरा बायोडक्ट का काम देखने के लिए मिलेगा आप सभी को केपी संत के चैनल पर दोस्तों। पर डे आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलते रहेंगे दोस्तों, कहां कहां लॉन्चर लग रहे हैं, कितना बायोडक्ट कंप्लीट हो गया, कहां कहां लगा हुआ है, वो सब कुछ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो ये अंडरपास आ गया, इस अंडरपास को क्रॉस करते हैं और चलते हैं मेरठ सिटी के अंदर दोस्तों, और आगे जाके आप सभी को देखने के लिए मिलेगा क्या, प्रतापपुर आरआरटीएस का स्टेशन दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ सारे में इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लग चुके हैं, अब इस पर OHE लगाया जाएगा और OHE वायर भी लगाई जाएगी दोस्तों। उससे पहले इस पर ट्रैक स्लैब डाले जा रहे हैं, ट्रैक स्लैब डालने के बाद में फिर इस पर ट्रैक बिछाया जाएगा दोस्तों। तो यही काम चल रहा है दोस्तों। ये ROB को हम क्रॉस कर चुके हैं, जैसे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे नज़दीक आता चला जाएगा दोस्तों क्या, प्रतापपुर RRTS का स्टेशन दोस्तों। तो देखो आप लोग देखो, बायोडक्ट ऊपर रेलिंग भी लगा दी है और इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगा दिए हैं, बस यही काम हुआ है दोस्तों। बाकी ट्रैक स्लैब को बिछाया जा रहा है, फिर उसके बाद में ट्रैक डाला जाएगा, ट्रैक डालने के बाद में दोस्तों इस पर OHE वायर का काम किया जाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये डबल पिलर आ गए हैं, और बस यहाँ से थोड़ा सा ही आगे है क्या, प्रतापपुर RRTS का स्टेशन दोस्तों। और मैं आप लोगों को देखो कोशिश मैं यही करता हूँ कि जो वर्क चल रहा है वो आप लोगों को दिखाऊँ अच्छे से, समझा सकूँ। तो यही मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश करता रहता हूँ गाइस। चलते हैं दिखाते हैं चल के आप सभी को, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय करना इस वीडियो को, क्योंकि आप लोगों को पर डे अपडेट देखने के लिए मिलते रहेंगे। अभी तो आप लोगों को शूट करना है दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को शूट करना है और UR2 को भी शूट करना है दोस्तों। अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तो दिखाएंगे और बताएंगे चल के आप सभी को। तो बने रहो ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को पर डे केपी संत के चैनल पर डे अपडेट्स देखने के लिए मिलते रहेंगे दोस्तों। क्योंकि मेरी यही आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अपडेट देने की कोशिश करूं। देखो ये साइडों में जो वॉकवे है दोस्तों उस पर पहले गाटर लॉन्चिंग हो गई थी, लेकिन फ्लोर वर्क नहीं हुआ था। देखो अब आया हूं तो फ्लोर वर्क बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो आप लोग। और इस पर देखो जो टीन सेट डाला जाएगा दोस्तों उस पर स्टील का स्ट्रक्चर लगाने का काम किया जा रहा है, फाइनल हो चुका है। और इधर देखो यह दोस्तों प्रतापपुर RRTS का स्टेशन, देख जो साइड की बॉले हैं देखो उनमें क्या फाउंडेशन बना दिया है, सरियाओं का जाल ऊपर निकाल दिया, अब इनमें बाल खड़ी करेंगे, जैसे जैसे ये जो पिलर हैं उनको ऊपर बढ़ाएंगे फिर इसमें कंक्रीट भर दिया जाएगा। और देखो एंट्री एग्जिट पॉइंट का जो ढांचा था वो बन चुका है दोस्तों, अब इसमें क्या किया जाएगा, इस पर प्लास्टर किया जाएगा
पत्थर लगाया जाएगा स्टेयर पे, और इसमें जो टीन सेट का स्ट्रक्चर है वो लगाया जाएगा, फिर इसके बाद में टीन सेट लगा दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों प्रतापपुर RRTS का स्टेशन की टीम लगी हुई है जो काम कर रही है। ये पार्किंग एरिया है सारा, और देखो ये टीन सेट का जो स्ट्रक्चर डाला जाएगा दोस्तों प्लेटफॉर्म लेवल पर, वो देखो इन्होंने डाल दिया है। देखो अब इस पर ये टीन सेट लगाया जाएगा। तो ये काम चल रहा है प्रतापपुर RRTS के स्टेशन पर दोस्तों। और आपको बता दूं कि यहाँ पर डेंट पेंट का काम भी हो गया है स्टेशन के अंडर कौन कौन से लेवल पर दोस्तों। देखो ये काम चल रहा है, और उधर भी अभी सेटिंग लगी हुई, तो उधर भी काम चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। देखो उधर भी जल्दी ही बन के कम्प्लीट हो जाएगा, तो चलते हैं उधर दिखाते हैं चल के आप सभी को। तो पानी के लिए ड्रेनेज बनाए गए हैं, देखो ऊपर तक पानी आएगा, जो ट्रैक पे था वो इसमें जाएगा, पानी इसके अंदर जाया करेगा दोस्तों। देखो इधर भी अभी सारे में ही ये काम चल रहा है दोस्तों, अभी सारा ही चमकाया जाएगा। देखो दूसरी साइड का ये है, जब मैं पिछली बार आया था तब इसका फाउंडेशन ही बना था दोस्तों, और आज आया हूँ तो देख सकते हो यहाँ इन्होंने शटरिंग लगा के और ये फ्लोर वर्क किया जाएगा। अभी एक पिलर देखो वहाँ बनाया जा रहा उस जगह पे, ठीक है, वो पिलर खड़ा करके फिर ये प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाएगा दोस्तों, यानी कि स्टेशन से एंट्री एग्जिट पॉइंट को जोड़ने का काम किया जाना है। तो अभी नहीं हुआ है दोस्तों, बस स्टेयर का ही ढांचा अभी तैयार हुआ है। देखो सेटिंग लगी हुई है और इस पर फ्लोर वर्क किया जा रहा है। तो ये है प्रतापपुर RRTS का स्टेशन जो दोस्तों जिस पर कि मेरठ मेट्रो ही रुकेगी। तो ये काम चल रहा है, देखो इधर भी चल रहा है, देखो भाई साहब इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा। देखो एक पिलर जो खड़ा करेंगे उसका फाउंडेशन बनाया जाएगा, और ये बनाया जा रहा कुछ ऐसा स्टेशन दोस्तों, वो एंट्री एग्जिट पॉइंट। देखो इधर भी अभी लगा हुआ है, तो अभी सारे में ही काम चल रहा है, क्योंकि ये वॉकवे है जिससे पब्लिक उतरेगी चढ़ेगी दोस्तों। तो ये है नज़ारा यहाँ का, देखो कुछ ऐसा बनाया जा रहा है। और देखो ये रेलिंग लग चुकी है दोस्तों, अभी इसमें इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे लगाए जाएंगे दोस्तों। देखो ये है कुछ नज़ारा यहाँ का, ठीक है। ये टिन सेट का स्ट्रक्चर तो इन्होंने पहले ही लगा दिया है दोस्तों, स्टील का स्ट्रक्चर लगा दिया है इन्होंने प्लेटफॉर्म लेवल पर जो ढका जाएगा। और ये है दोस्तों एंट्री एग्जिट पॉइंट, जैसा कि आप लोगों ने देखा पहले ये फार्म हाउस या हुआ करता था यहाँ पे, फिर फार्म हाउस की ज़मीन लेके आ गए और फिर भाई साहब ये बनाया गया एंट्री एग्जिट पॉइंट, फार्म हो गया ख़त्म, ठीक है। अब चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को आगे का भी, तो आगे का भी आप लोग देखो, ठीक है। अभी सेटिंग ही लगी हुई है, देखो आप सभी अभी काम चल ही रहा है, जो इसके वॉकवे हैं देखो वो ये फ्लोर वर्क कर दिया सारे में, अब इनकी कटरी निकाली जाएगी दोस्तों। तो ये है नज़ारा, देखो आप लोग क्या नज़ारा यहाँ का। ये है देखो आगे का फ्रंट का, देख सकते हो अभी मैं उधर से ही आया था, देखो ये सारी दीवारें खड़ी की जाएंगी। अब ये पीछे से है एंट्री एग्जिट पॉइंट का नज़ारा, देखो ये है। तो इस पर अभी प्लास्टर किया जाएगा और इस पर स्टील का स्ट्रक्चर लगाया जाएगा दोस्तों टीन सेट का। यह है प्रतापपुर एंट्री एग्जिट पॉइंट का पीछे का हिस्सा दोस्तों, अभी मैंने आगे से दिखाया था जब लेकर आया था। और आप सभी को बता दूं देखो ये गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में फ्लोर वर्क भी कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद में दोस्तों अब इस पर क्या ट्रैक के स्लैब डाले जा रहे हैं, फिर ट्रैक बिछाया जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी के खंभे भी लगाए जा रहे हैं दोस्तों। इस टाइम पर OHE वायर का काम बाद में होगा, तो यही काम चल रहा है। और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।